प्रिय विद्यार्थियों, रीतिकाल की रीतिबद्ध कवियों की चर्चा करने के बाद हम अब रीति सिद्ध कवियों की बातचीत करेंगे। और रीति सिद्ध कवियों में पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं बता दूं, एक दो बातें मुझे कहनी हैं। तो क्योंकि वीडियो बनाने से पहले मुझे लगता है कि वो शायद मैं लाइव या तो अभी थोड़े देर बाद में कर दूंगा और या फिर मैं कल लाइव में बात करूंगा। कुछ ऐसी भ्रांतियाँ और कुछ ऐसी बातें और कुछ ऐसे सवाल आ रहे हैं जिनका मुझे लगता है कि समाधान आवश्यक है। जैसे कुछ बच्चे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या कुछ इस प्रकार की बातें, मैं थोड़ी सी दो बातें कहना चाहूँगा, वो कल चर्चा करूँगा उस पर। तो आप कल हो सका तो शाम को 7 बजे के आसपास आने का प्रयास करें, जहाँ मैं थोड़ी सी दो चार बातें कहना चाहूँगा। रीतिबद्ध के बाद में रीति सिद्ध कवियों की जब चर्चा हम करते हैं, तो आपको मालूम है कि रीति सिद्ध में हमने पहले भी बात की थी, जब रीति काव्य का वर्गीकरण किया था। ऐसे कवि जो काव्य शास्त्र के सिद्धांतों के जानकार तो थे लेकिन लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। लक्षण ग्रंथ क्या है, ये हम चर्चा करते हैं। ऐसे कवियों की कविता में काव्य शास्त्रीय सिद्धांत प्रमुख न होकर कविता का अनुकरण करते नजर आते हैं। कहने का भाव यह है कि इसमें नायिका भेद हो या अनुप्रास आदि अलंकार हो या किसी प्रकार का जो काव्य शास्त्रीय सिद्धांत हो, उनका वर्णन, उनका एक प्रकार से हमने कह सकते हैं कि केवल उन्हीं का चित्रण करने के लिए काव्य नहीं लिखा गया है। जैसे बिहारी इसमें है तो बिहारी के प्रत्येक दोहे में आप कोई ना कोई नायिका को ढूंढ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह कोई लक्षण ग्रंथ है या नायिका भेद का ग्रंथ है। बिहारी के प्रत्येक दोहे में हम जैसे काव्य शास्त्र की बात करते हैं, आप काव्य शास्त्र की पुस्तकों को देखिए, यहाँ तक कि काव्य शास्त्र के जो प्रश्न आते हैं वो बिहारी के उदाहरण आते हैं, उसमें अलंकार के, शब्द शक्ति के, ऐसे अनेक उदाहरण आते हैं परीक्षाओं में भी जो बिहारी के ही आते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बिहारी सत्य कोई लक्षण ग्रंथ है। हाँ, उसमें काव्य शास्त्र पूरी तरह से समाहित है और ऐसे प्रत्येक काव्य सिद्धांतीय जो तत्व हैं उसमें आपको मिलेंगे, लेकिन ये कोई लक्षण ग्रंथ न होकर असल में श्रृंगार रस का ग्रंथ है। राजशेखर ने ऐसे कवियों के लिए काव्य कवि शब्द का प्रयोग किया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनको सबसे पहले रीति सिद्ध कवि कहा था। आज मैं बिहारी पे सामान्य चर्चा करूंगा, क्योंकि बिहारी पे मुझे लगता है कि 2 या 3 वीडियो बन सकते हैं, तो ज़्यादा इसमें लंबा थोड़ा नहीं करते हुए 2 वीडियो में पूरी बात करने का प्रयास हम करेंगे। बिहारी के जीवन परिचय की बात करें तो 1595 से 1663 इनका समय है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि कहे जाते हैं, ये सब लोग मानते हैं। गणपति चंद्रगुप्त को छोड़कर मुझे लगता है सब कवियों ने रीतिकाल का श्रेष्ठ कवि बिहारी को माना है। गणपति चंद्रगुप्त है वो इनकी प्रतिभा पर थोड़ा थोड़ा शक करते हैं और वो बार बार कहते हैं कि इनके जो दोहे हैं, बहुत सारे दोहे हैं, वो अमरूक शतक, आर्य सप्तशती और जो हाल की गाथा सत्सई है उनके कुछ अनुवाद हैं, तो ये वहाँ उनकी अनुवाद कला दिखाई देती है या वियोग श्रृंगार में ये हास्यास्पद हो जाते हैं। तो बिहारी की जो बातें उन्होंने की है गणपति चंद्रगुप्त ने, तो वहाँ थोड़ा सा उनकी प्रतिभा को कम करके उन्होंने आंका है। बाकी सब लोग बिहारी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पद्माकर के संबंध में कहा था कि बिहारी पद्माकर है और रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि है। बिहारी के संबंध में वही बात कह रहे वो कि बिहारी इस काल के सबसे अधिक श्रेष्ठ कवि हैं। तो बिहारी को मुझे लगता है निसंकोच सभी लोग रीतिकाल का प्रतिनिधि कवि मानते हैं। जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई आई सुखद मथुरा बसी ससुराल। इसके माध्यम से आप एक दो बातें जानते हैं। इनका जन्म हो ग्वालियर में हुआ, बुंदेलखंड में इनका बचपन बीता और मथुरा में इनका ससुराल था। इस एक तो ये घर जमाई रहे, इन बातों का जिक्र है, और घर जमाई के रूप में उन्होंने काफ़ी कष्ट भोगा। और आपको ध्यान होगा इस बात की मैंने चर्चा पहले की थी कि किस प्रकार से बिहारी वो शाहजहाँ के दरबार में आए और भक्ति के दोहे लिखा करते थे और कैसे राजा की आश्रयदाता की रुचि ने उनको श्रृंगारी बना दिया। उससे पहले ही अपने ससुराल में रहा करते थे और घर जमाई की किस प्रकार की बेचारे की स्थिति हो जाती है, उसका एक दोहा भी उन्होंने लिखा था। पूस के दिन यानी पौष मास के दिन से इसकी तुलना करते हुए उन्होंने एक दोहा भी लिखा था। तो कुल मिला के अपने ससुराल में रहे थे और ग्वालियर में जन्म हुआ और मथुरा में रहे और उसके बाद में आमेर में रहे, चाहे दिल्ली में रहे, नगरों में रहने के कारण इनकी जो प्रवृत्ति है, इनकी जो रुचि है, वो नागरिक में या नगरों में अधिक है। गाँव की भाषा या गाँव की जो नायिकाएँ हैं और गाँव की जो मनोवृत्ति है उसका उन्होंने उपहास किया है, ये हमने देखा है, आगे हम बताएंगे आपको। इनके पिता का नाम केशव राय है। यह एक थोड़ा सा विवाद है, हल्का सा विवाद है कि क्या वो केशव राय रामचंद्रिका के रचयिता थे, जबकि ऐसा बहुत कम लोग मानते हैं। रचयिता यहाँ पे फिर गलत है, पांडुलिपिकार ने काफ़ी मिस्टेक की है। तो बहुत सारे लोग अब इस बात को नकारते हैं कि इनके पिता केशव राय हैं, वो रीतिकाल के जो आचार्य कवि केशव राय से भिन्न है, लेकिन गणपति चंद्रगुप्त वो कहते हैं और बात वो दावे के साथ कहते हैं। एक शोध काव्य भी इन्होंने लिखा है बिहारी की कविता के ऊपर,
उस शोध काव्य में और अपनी जो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास है उनका प्रथम खंड है उसमें गणपति चंद्रगुप्त ये बात बड़े दावे के साथ कहते हैं कि रामचंद्रिका के रचयिता केशवदास ही बिहारी के पिता हैं। तो केवल गणपति चंद्रगुप्त ही इस बात को स्वीकार करते हैं। अब इनके बारे में जो लोगों ने बातें कही, यहाँ असल में उपनाम तो नहीं कहेंगे हम, जो प्रशंसा सूचक उक्तियाँ इनके बारे में कही जाती है या उपनाम कहे जाते हैं, चाहे वो बिहारी के बारे में हो या बिहारी सतसई के बारे में हो, तो इस बारे में कई बार ऐसे सवाल आते हैं। बहुत प्रसिद्ध जो कवि हैं, चाहे वो तुलसीदास हो, कबीर हो, बिहारी हो, उनके बारे में ऐसी पंक्तियाँ पूछ ली जाती है कि यह किसने कहा। तो शुक्ल ने इन्हें रसवादी और नगेंद्र ने ध्वनिवादी कहा है। ध्वनि आपको ध्यान हो कि व्यंजना का एक प्रकार है और व्यंजना ही ध्वनि है असल में, तो व्यंजना का अधिक ज़्यादा प्रयोग करने के कारण और व्यंजना का बहुत अच्छा प्रयोग करने के कारण इनको ध्वनिवादी नगेंद्र ने कहा है। बिहारी सतसई की भूमिका में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई को शक्कर की रोटी कहा है। बिहारी सतसई की भूमिका इन्होंने लिखी थी, आपको ध्यान हो, पद्म सिंह शर्मा ने, इसकी चर्चा आगे भी एक विवाद के रूप में भी करेंगे, लेकिन पद्म सिंह शर्मा ने शक्कर की मीठी रोटी और जहाँ से तोड़ो वहीं से मीठी लगती है, यानी बिहारी सतसई का प्रत्येक दोहा ऐसा है, प्रत्येक दोहा अपने आप में अनूठा है, अनुपम है, इसीलिए उन्होंने कहा है कि बिहारी सतसई है वो शक्कर की मीठी रोटी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सतसई को रसिकों के हृदय का हार कहा है। रसिक लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रचना है। ग्रियर्सन के अनुसार संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समान कोई रचना नहीं मिलती। इनको आप केवल देख लें, मुझे लगता है कि ज़्यादा इनकी व्याख्या करना ठीक नहीं है। बलदेव उपाध्याय ने इनको दोहा छंद का बादशाह कहा है। ये तो आपको ध्यान है कि इनकी एकमात्र रचना बिहारी सतसई है जिसमें 713 दोहे हैं, तो दोहा छंद का बादशाह इनको कहा गया है। अब बिहारी सतसई का चित्रण करते समय रामचंद्र शुक्ल की कुछ टिप्पणियां हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, और यहाँ मैंने ऐसी टिप्पणियां भी शामिल कर ली है जो बिहारी सतसई के बारे में नहीं है या बिहारी के बारे में भी नहीं है, वो मुक्तक के बारे में है, दोहा छंद के बारे में है, क्योंकि ये परीक्षा में पूछी जाती रही है, तो मुझे लगता है कि इनको फिर मैंने यही शामिल कर लिया है, क्योंकि ये सारी चर्चा उन्होंने तब कही जब वो बिहारी का जिक्र करते हैं। पहली बात, वो बिहारी सतसई के बारे में कहते हैं कि श्रृंगार उसके ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई का हुआ है उतना किसी का नहीं हुआ, इसका एक एक दोहा एक एक रत्न के समान है। राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ, अमृत बरसाने वाला बादल कहा है, और बिहारी दुरारूढ़ कल्पना के कवि माने जाते हैं। ये बिहारी की बहुत बड़ी विशेषता है। असल में बिहारी की काव्य की विशेषता ये पूछी जा सकती है। अगर हम बात करें तो जैसे रीतिबद्ध काव्य की विशेषताओं का प्रश्न आ सकता है, रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं का प्रश्न आ सकता है, ऐसे रीति सिद्ध काव्य की विशेषताएं नहीं पूछी जाती, ऐसा प्रश्न नहीं बनता, क्योंकि रीति सिद्ध में बिहारी को छोड़कर कोई बड़ा दूसरा कवि नहीं हुआ है, तो यहाँ बिहारी की विशेषताएं फिर आ सकती है कभी कोई प्रश्न आ जाए। तो दूरारूढ़ कल्पना का मतलब क्या है? ऐसी कल्पना जो दूर की कौड़ी हो। इसके लिए बिहारी को काफ़ी आलोचना का सामना भी करना पड़ा है। अभी अभी मैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य उद्भव विकास पढ़ रहा था, तो वो बताते हैं कि बिहारी ऐसी बहुत सी चीज़ें अपने काव्य में लेकर आए जो इस जगत में, इस संसार से संपृक्त नहीं है, मतलब इस संसार में है ही नहीं, ऐसी रचना ऐसी चीज़ें वो उठा कर ले आए। वो चर्चा ये कर रहे थे कि बिहारी कहाँ सफल है और कहाँ असफल है, तो वो कहते हैं कि जहाँ बिहारी ऐसी बातों को अपने काव्य में लेकर आते हैं जो वास्तव में किसी भी प्रकार से संभव ही नहीं है, ऐसी बातों में असफल है, उसको फिर दूर की कौड़ी लाना कहते हैं, दूर की कल्पना कहते हैं। एक दोहा उन्होंने लिखा, इसमें बिहारी की कोई अज्ञात यौवना नायिका है जो अपनी सखी या अपनी दासी को इस बात के लिए फटकार लगाती है कि मैंने तुमसे नीम की दातुन मंगाई थी और तू ईख की दातुन ले आई। ईख गन्ने को कहते हैं, आपको ध्यान है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक बड़ी लंबी चौड़ी बात हो जाती है,